मेरे कान्हा जी का एंट्री, ग्रैंड एंट्री। गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के बजे हैं 9 और मैं अभी स्टार्ट किया हूँ ब्लॉगिंग करना, क्योंकि भर दिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी था और भर दिन दुकान पे बैठा रह गया। तो आज है 19 अगस्त और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप देख सकते हैं इधर पूरा प्रिपरेशन चल रहा है कृष्ण जी का, कि पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और इधर पूरा सब लाइट, चारों तरफ लाइट उट जला दिए हैं और यहाँ पे कृष्ण भगवान उनको दो दो है, एक घर का एक और एक दीदी का है, और बगल में झूला। और इधर पैर का निशान भी है जो दीदी अभी पूजा करेगी। तो हे गाइस, तो अभी देख सकते हैं मम्मी है ना कान्हा जी के लिए 56 भोग का खाना बना रही है। तो अभी बहुत सारा बन गया है, तो इधर इधर सब रेडी है, देख सकते हैं। और है ना बाकी फ्रिज में है, फ्रिज में बहुत सारा सामान है और सब ऑलमोस्ट सारा सामान है ना बन गया है। और अभी है ना अभी भी 4 घंटा का टाइम बाकी है। तो अभी पूरा 56 भोग पूरा कंप्लीट हो गया है। और है ना मम्मी बहुत देर से है ना बैठी बना रही थी, अभी है भाभी भी मम्मी का हेल्प कर रही है, दीदी उधर बउआ को है ना रेडी कर रही है, कान्हा जी उसको कान्हा जी के में पूरा सजा रही है। चलते हैं दीदी के पास, देखते हैं कैसे सजा रही है बउआ को। देख सकते हैं बउआ का आधा है ना सब कुछ हो गया है, अभी सोया हुआ है इसलिए सब कुछ हो गया, जगह रहता तो कुछ नहीं हो पाता, तो फिलहाल ये सोया हुआ है। तो फिलहाल अभी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि एक लड़का है कपीस नाम का है, तो उसका भी चैनल है मोनेटाइज के लिए सारा जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग टाइम जो होता है, जो उसका यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट हो गया है। तो वो बोला भैया आप है ना मेरा अप्लाई कर दो, तो वो भी है बगल का ही है, तो उसी का भी जा रहे हैं हम उसका हेल्प करने के लिए। तो वो है ना नीचे आ गया फिलहाल। अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुआ था, जिस वजह से हम था भीग भी गए हैं। तो चलते हैं यही नीचे ही, मैं बाहर में ही है। तो रात का अभी 10 बज गए हैं और अभी भी 2 घंटा बाकी है 12 बजे में। तो 12 बजे है ना सब पूजा किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ कृष्ण भगवान के लिए एकदम पूरा सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है। और 56 भोग जिसको कहते हैं, तो मम्मी दीदी और भाभी मिल के 56 भोग बनाई है। सुबह से लगी हुई थी कल से ही लगी हुई थी पूरा अच्छे से 56 भोग बनाने में। और इधर देख सकते कितने अच्छे से सब कुछ हुआ है, और एक लाइट बंद कर देते हैं तब देख सकते कितना मस्त सा लग रहा है एकदम। ये डेकोरेशन मैं गोलू भैया मिल के है ना पूरा सब कुछ लगाए, लाइट बैलून और ये ब्लू लाइट न्योन, ये न्योन लाइट है, इस वजह से इतना मस्त सा लग रहा है। और बाकी सब तो अब फायदा है ना गेट लगा देते हैं तब तक के लिए, अभी तो 2 घंटा का टाइम है। तो इधर है ना बाकी मम्मी दीदी भाभी सब रेडी हो गए हैं, और कुछ भी है बगल से भी है ना खुशी मुस्कान मौसम वर्षा भी आई है, वो भी अच्छे यहाँ पर जन्माष्टमी का पूजा देखने के लिए। तो फिलहाल अभी था भूख लग गया है, तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जब पूजा स्टार्ट होगा तब मिलते हैं। और तब तक है ना बउआ भी है ना रेडी हो रहा है, अभी शायद नहाया नहीं है क्योंकि है ना अभी बहुत ज़्यादा ही बरसा हुआ है, पूरा बाहर ठंडा ठंडा माहौल बन गया है।
तो इस वजह से ना उसको सर्दी ना लग जाए, तो है ना इस तो अभी उसका उसका तबीयत ही खराब हो सकता है, तो इस वजह से है ना हम उसको बस नहाए नहीं है। तो पूरा छत पे आए हुए हैं, पूरा अंधेरा था। तो मेरे साथ है वर्षा, वर्षा और परी। तो अभी छत पे है ना पूरा बादल, बादल भी नहीं लगा हुआ है, अब हवा भी नहीं चल रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे और जब पूजा स्टार्ट होगा तब मिलेंगे। तो हे गाइस, तो अभी मेरे कान्हा जी हैं रेडी हो गए हैं और ये ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मोबाइल भी देख रहा है, मोबाइल देख के और ये ताली बजा रहे हैं। बउआ बउआ हाय बउआ बउआ इधर 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 हाय बउआ हाय बउआ हाय बउआ हाय हाय। वे कहाँ जी उतरने वाले हैं? इसको चल रुके छोड़ दीजिए, लाइए हाथ बेटा पकड़ो, चलो इसका दीजिए बांसुरी दीजिए, नहीं तो उन्हें छोड़ दीजिए। तो वे कहाँ जी हैं पूरे अच्छे तरीके से पूरे रेडी हो गए हैं और ये जा रहे हैं पीछे 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 आ गए। इधर से वीडियो अंदर आए इसका फोटो आए। मेरे कान्हा जी का एंट्री, ग्रैंड एंट्री। अभी रात के 12 बज गए हैं और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, तो यहाँ पूजा चल ही रहा है, आगे समाप्त होने वाला है। तो अभी हम इधर अब इस रूम में आ गए हैं और अभी टाइम 12:10 हो गया है। तब प्रसादी खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। और रात भी बहुत काफ़ी हो गया और बहुत ज़्यादा थक भी गया है। तब बस पूजा ख़त्म होने के बाद प्रसादी खाएंगे, प्रसादी खाते हैं उसके बाद। तो हे गाइस, तो अभी 12:45 हो गया है और पूजा फाइनली सब कुछ समाप्त हो गया है और हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा थक गया और नींद भी आ रहा है, तो प्रसादी पहले खाएंगे तो खाना खाएंगे उसके बाद सोचेंगे। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नहीं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।